कैसे हो दोस्तों, स्वागत करता हूँ तुम्हारा मॉन्स्टर हंटर के एक और एपिसोड पे। तो लास्ट टाइम हमने कुछ नए बायोम्स वगैरह डिस्कवर किए थे, कुछ नए मैप्स डिस्कवर किए थे, और ग्रेट रिवीन में हमने दो अलग अलग जगह पे कैंप लगाई थी। पहला था कोरल हाइलैंड्स, दूसरा था रोटिन वेल, और आज हम वहीं से अपने क्वेस्ट्स को कंटिन्यू करेंगे। तो पहला क्वेस्ट ऑब्जेक्टिव है स्पीक टू द थर्ड फ्लीट मास्टर। नाउ इज द टाइम। द थर्ड फ्लीट मास्टर कहते हैं आर यू रेडी टू डिसेंड इनटू द डेप्थ्स ऑफ द रोटिन वेल, और हम करेंगे यस। इफ यू फाइंड एनीथिंग प्रॉमिसिंग विल लुक फॉर अ सेफ प्लेस टू ड्रॉप यू टू ऑफ, वेल देन ऑफ वी गो। तो लास्ट टाइम जैसे कि थर्ड फ्लीट मास्टर ने कहा था कि रोटन वेल हमने सिर्फ ऊपर ऊपर से डिस्कवर किया है, और रोटन वेल की डेप्थ और भी नीचे जाती है। तो अभी आगे के क्वेस्ट हमारे उन्हीं चीज़ों को डिस्कवर करने में लगेंगे। देख सकते हो यार, कोरल हाईलैंड के ऊपर से अपनी शिप गुजर रही है। They look so free. So, what's the bottom of the veil like? I could not say. Though we have learned much, what we have are mere facts, and not a single clue to what truth they add up to. We know Zora Magdaros is heading there, but why? The world is full of mysteries to consume us. Yeah. And delicious mysteries to consume. ये परिंदे जिनको रफीनोस कहते हैं वो डॉल्फिन की तरह है। जैसे जैसे हमारी शिप हवा में आगे बढ़ रही है, यूजुअली डॉल्फिन जैसे समंदरों में शिप्स को रास्ता दिखाती है, वैसे ही रफीनोस हमारी शिप को फॉलो कर रहे हैं। और जैसे ही समंदरों में डॉल्फिन के बीच में हड़बड़ी मचती है, तो समझ लेना खतरा आसपास ही है। We should regroup. So Third Fleet Master कहते हैं, so much for making it down. That loathsome monster is known as a Legiana. It rules over all other monsters in the skies. So long as it's out there hunting, we won't be able to reach the base of the Rotten Vales. Oh, I had almost forgotten that you're a hunter. I suppose it wouldn't be too much trouble to ask you to hunt the Legiana before we get knocked out of the sky again. So, abhi hame hunt karna hai Legiana ko. तो लेगियाना को हंट करने के लिए जो मेरे ख्याल से जो बेस्ट वेपन हो सकता है वो है इंसेक्ट ग्लेव। इंसेक्ट ग्लेव इसलिए क्योंकि लेगियाना जैसे कि बहुत ही ज़्यादा हवा में रहने के चांसेस है उसके, और अगर हम इंसेक्ट ग्लेव यूज़ करते हैं तो हम उसको एरियल डैमेज बहुत ज़्यादा दे सकते हैं।
need to clear the way so we can fly down to the base of the Rotten Veil. The airship will get knocked out of the sky if we don't do something about that monster. तो यहाँ पर कर लेते हैं हम मील और चल लेते हैं लेगियाना की तलाश में. इंसेक्ग्लेव की डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा नहीं है. आई मीन चार्ज ब्लेड से तो कम ही डिफ़िकल्ट रहता है इंसेक्ग्लेव. तो इंसेक्ग्लेव मोस्टली बहुत अच्छा मैचअप रहता है उन मॉन्स्टर्स से जो हवा में उड़ सकते हैं. क्योंकि अगर तुम कोई भी दूसरा मिली वेपन यूज़ करो तो बहुत ही लक पर तुम्हें डिपेंड रहना पड़ेगा मॉन्स्टर के हवा से नीचे उतरने का. अगर तुम रेंज वेपन्स यूज़ करते हो जैसे बोज और गन्स तो मॉन्स्टर्स को ज़मीन से ही हवा में अटैक करना बहुत आसान पड़ जाता है. लेकिन जैसा कि मैंने शुरू के एपिसोड में बोला था, हम लोग मर्दों की तरह खेलते हैं. रेंज अटैक वो सब हमें नहीं आता. तो यार पहुंच चुके हैं लेगियाना के पास. इससे पहले इसके थोड़े ट्रैक्स कलेक्ट कर लेते हैं ताकि जब भी नेक्स्ट हंट पे हम लोग निकले तो लेगियाना के ट्रैक्स जल्दी से जल्दी मिल सके. बहुत ही गंदी दहाड़ है इसकी और ये शुरू में ही हवा में उड़ने लग गया. कलेक्ट कर लेता हूं मैं इसके पावर अप्स. कोशिश करते इसको वॉल बैंग करने की. तो यार मॉन्स्टर हंटर की एक बात है, अगर मॉन्स्टर हवा में उड़ रहा हो तो तुम्हें वॉल बैंग की जरूरत नहीं है. तुम हवा से उसको सीधे ही जमीन पे गिरा सकते हो. और मैं ये मौका लूंगा इसको टेंडराइज करने के लिए. बहुत ही बुरा मिस. अच्छा हिट था वो. आइस ब्लाइट क्या करता है ना, स्टैमिना बहुत जल्दी खत्म करता है. और कर लिया हमने इंस्टेंट ग्लेव को चार्ज. बहुत ही अच्छा डॉज. और हो चुके हम इस पे सवार. अगर ऊपर से लेगियाना का तुम डिजाइन देखोगे तो ऐसा लगता है कि ये हवा में नहीं, ये समंदर में रहने वाला प्राणी है. उसके कलर से, उसके स्किन के टेक्सचर से ऐसा लगता है. और लगना जायज भी है क्योंकि इसका हैबिटेट है कोरल हाइलैंड्स. बहुत ही बढ़िया डॉज. करके हम लोग फाइट कर रहे हैं, थोड़े खुले मैदान पे आते हैं. बहुत अच्छा है. बुरा शॉट.
और बुरा। फिर से लग चुके हैं अपने को आइस ब्लाइट और अभी हो चुके अपन लोग स्टन। करते खुद को हील और चलते हैं लेगियाना के पीछे। तो यार लेगियाना का जो एलिमेंट है वो है आइस, और लेगियाना की जो कमजोरी है वो इसको हंट करने के बाद हमें पता चलेगा। बहुत ही बुरी टाइमिंग और मैं हो चुका हूँ खत्म। फिर से कोशिश करेंगे। Make sure you've read up on all the monsters in the monster field guide. तो यार जैसा कि तुम देख सकते हो इंसेक्ट ग्लेम में स्टैमिना की कमी से बहुत ज्यादा हम लोग हवाई डैमेज दे नहीं पा रहे हैं। और पावर अप्स के चक्कर में हम लोग कभी कभी बहुत ही अच्छा डैमेज देने का मौका भी मिस कर रहे हैं। तो कोशिश करूंगा मैं स्टैमिना थोड़ा बढ़ाने के लिए कुछ बारबेक्यूज़ वगैरह बेक करूं, और उम्मीद करता हूं उससे स्टैमिना और बढ़ जाए। तो बन चुका है मेरा परफेक्ट स्टेक। फिर से एक और बार कोशिश करेंगे इंसेक्ट ग्लेव से ही। दो पावर अप्स आ चुके हैं अपने पास और ये तोड़ दिया हमने लेगियाना का सर। करते हैं इसको डैमेज एक और बार। टिड्जी आपको फिर से आ चुके हैं इस हंट के सीन में और इसने कर दिया है लेगियाना को स्टन एज एक्सपेक्टेड, और एकदम ट्रू चैड की तरह, एक ट्रू सिग्मा मेल की तरह ये स्टन करके निकल चुका है अपने रास्ते पे, जैसा कि तुम पीछे देख सकते हो। और हम चढ़ चुके हैं दूसरी बार लेगियाना पे, लेकिन इस बार अपना स्टैमिना बहुत ज़्यादा कम है तो बहुत ही संभल संभल के हमें खेलना पड़ेगा। हम ज़्यादा बाउंस नहीं हो सकते इसके एक पार्ट टू दूसरे पार्ट पे। अपना शार्पनेस भी बहुत ज़्यादा कम हो चुका है तो कहीं ना कहीं पर तो हमें थोड़ा सा विंडो ले करके अपना वेपन फिर से शार्प करना पड़ेगा। बहुत ही बुरा मिस। अच्छा डॉज। ओ नो 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 नो, कर लेते खुद को हील एक और बार। एरियल ग्रीड की वजह से मैं बहुत ज़्यादा डैमेज ले चुका हूँ यहाँ पर पे, लेकिन कोशिश करूँगा दूसरी बार गेम ओवर ना हो।
सारे पावर अप में फिर से इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा डॉज था वो। यार फिर से नहीं। सही मौका है ये, और मौका बहुत बुरी तरीके से मारा मैं वो। तो यार इंसेक्ट ग्लेव काम नहीं आ रहा है, कोशिश करते हैं कोई दूसरा वेपन। चेंज इक्विपमेंट, और मैं इस बार जाऊंगा लेट्स ट्राई लॉन्ग सॉर्ड। क्योंकि लॉन्ग सॉर्ड में भले ही हम लोगों को हिट पड़ जाए, अगर लिगियाना एलिमेंटल हिट्स यूज़ करता है तो भले ही हमको ब्लाइट लग जाए लेकिन हमारी लाइफलाइन कम नहीं होगी। इंसेक्ट ग्लेव में ब्लाइट लगने के साथ हमारी लाइफ भी कम हो रही थी, जिसकी वजह से हम लोग इवेड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बहुत जल्दी स्टैमिना ख़त्म होता है एक बार ब्लाइट लगने पर। तो होपफुली लॉन्ग शॉट से अपना परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर हो। पहुंच चुके हैं एक बार फिर से इसके पास, और ये है अपनी लास्ट ट्राई। तो कोशिश करते हैं इसको अच्छे से हराने की। आते आते हमने काफी देरी कर दी, तो लगियाना देख सकते हो अभी भाग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जब तक, आखिर कब तक ये भागेगा? जब तक ये भागता रहे अपना मिशन ख़त्म नहीं होगा, और जब तक हमारा मिशन ख़त्म ना हो हम इसको भगाते रहेंगे। तो यार क्वेस्ट के ऑलमोस्ट 15 मिनट बीत चुके हैं और हमने लिगियाना को सिग्निफिकेंट डैमेज अभी तक दिया नहीं है। मुझे नहीं लगता लिगियाना को लोकेशन हमें सही से पता चल रहा है, तो पिन कर लेते हैं इसको हम और चल लेते हैं इसकी तलाश पे। फोरसाइट स्लैश लगाना मैं भूल गया, बहुत ही अच्छा डॉज था वो। तो अभी तो यार यही बात हो गई, जब तक ये नीचे नहीं आता तब तक ना तो ये अटैक करेगा ना ही हम।
जैसा कि देख सकते हो ये छटपटाने लगा है। हंट ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है तो इसको भागने नहीं देना है। और ये निकल चुका है, तो अभी हमें जाना पड़ेगा इसके नेस्ट तक और स्काउट फ्लाइज हमें रास्ता दिखाएंगे। वो तो बहुत अच्छी बात है कि लेवल डिज़ाइनर लोगों ने हर एक लेवल के या फिर हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक वेज बीटल डाल रखा है ताकि ट्रेवर्सल में हमको इजी पड़ जाए। वरना हर एक ब्रांच को पकड़ पकड़ के चलने में आधे मिशन का टाइम तो वही निकल जाएगा। और इससे पहले कि क्वेस्ट टाइम ख़त्म हो, जल्दी से जल्दी हम चढ़ जाएंगे लेके आने के नेस्ट तक। ओके देखते हैं हम इसको वॉल बैंक कर सकते हैं कि नहीं। और ये मैंने उठा लिया है स्टोन एंड ग्रैपल टच एंड वॉल बैंक। नाइस शॉट। और ले गया ना दोस्तों, हो चुका है खत्म। तो इंसेक्ट ग्लेव से बहुत अनसक्सेसफुल रहे अपन। हंट जिस तरीके से जाना चाहिए था, जिस तरीके से उम्मीद थी, उस तरीके से गया नहीं। तो इस हंट को और दो बार कोशिश करेंगे दो अलग अलग वेपन्स के साथ। मैं यूज करना चाहूंगा इसके लिए चार्ज ब्लेड और शायद कोई ऐसा वेपन जिसमें स्टैमिना ज़्यादा ड्रेन ना हो, क्योंकि अभी हमारे पास स्टैमिना बढ़ाने जैसा कोई भी आर्मर या फिर आर्मर स्किल नहीं है। तो शायद मैं अगले टाइम इसके लिए यूज़ करूँगा चार्ज ब्लेड या फिर ग्रेट स्वॉर्ड। टाइमर ख़त्म। होपफुली लेके आने से हमें कुछ नए तरीके के लूट मिले होंगे जिससे एटलीस्ट डिसेंट लेवल पे वेपन्स और आर्मर अपग्रेड हो सके। तो थर्ड फ्लीट मास्टर कहती हैं, यू ट्रूली आर इम्प्रेसिव। Now, our airship will make its descent into the lower depths of the Rotten Vale. Just say the word when you're ready. तो यार अभी तो मैं रेडी नहीं हूँ। सबसे पहले मुझे लगियाना से बदला लेना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं करूँगा वेपन चेंज। और इसके लिए मैं यूज़ करना चाहूँगा सबसे पहले यूज़ करते हैं चार्ज ब्लेड। यहाँ पर क्वेस्ट सिलेक्शन स्क्रीन मुझे दिख नहीं रहा। तो शायद इसके लिए सबसे पहले हमें एस्टेरा ही जाना पड़ेगा। तो यार ये एक मेरे बहुत ही टॉक्सिक आदत है कि अगर कभी भी मैं किसी मॉन्स्टर से दो बार मरता हूँ या फिर दो बार गेम ओवर होता है तो एक बहुत ही रिवेंज वाली फीलिंग आती है मुझे उस पर। और कोशिश करता हूँ मैं कि अगला हंट जो है
वो यूजुअली पहले ही बार में मैं मॉन्स्टर को हरा सकूं। तो आइटम्स कर लिया हमने रीस्टॉक, अब चलते हैं लेगियाना को मारने। कोरल हाइलैंड रात के टाइम पे और भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है, जितनी भी लाइट्स वगैरह है और ज़्यादा शाइन करती है। तो यार लेगियाना से लड़ने से पहले पहले कर लेते हैं हम अपने लिए कुछ कुक। ताकि बीच में अगर स्टैमिना बस ख़त्म ना हो जाए। और क्योंकि लेगियाना के बहुत सारे अटैक्स जो है वो एलिमेंटल अटैक्स होते हैं, इसका मतलब ब्लाइट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और अगर स्टैमिना तुम्हारा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रहे, या फिर अगर मैं पहले से ही मैक्सिमम स्टैमिना के साथ मॉन्स्टर से लड़ने जाऊं, तो चांसेस है कि अगर मुझे ब्लाइट लगता भी है तो मेरे पास इवेड के लिए या फिर मॉन्स्टर से बचने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा विंडो रहेगा। तो बहुत ही परफेक्ट टाइम पे हम आया है, लेके आना कर चुका है लैंड और इसको हम करेंगे वॉल बैंक। करेंगे टेंडराइज बढ़िया डॉज, और ये कर लिया हमने शील्ड चार्ज। मिस्ड नो प्रॉब्लम, बहुत ही अच्छा ब्लॉक था दोस्तों वो। और वही गलती जो हमने पिछली बार दोहराई थी। मैं खा लेता हूं नलबेरी और कर लेता हूं खुद को हील। कर लिया मैंने सेवेज एक्स मूड रेडी और मैक्सिमम से मैक्सिमम डैमेज देने की इसी टाइम पे कोशिश करूंगा, इससे पहले कि वो हवा में उड़े। बुरी कोशिश, फिर से मैं करूंगा खुद को हील। डिस्चार्ज और डिस्चार्ज फेल। और ये चढ़ हो चुके हैं हम इस पर सवार। जब भी मौका मिले ना मैं कोशिश करता हूँ मैं किसी भी मॉन्स्टर पर थोड़ा एयरबॉर्न डैमेज दे सकूँ, क्योंकि अगर ऐसा करने से क्या होता है कि जब भी मुझे स्टन का चांस मिले, यूजुअली क्या रहता है ना कि लोग इग्नोर करते हैं उस स्टन के चांस को, लेकिन अगर मॉन्स्टर हवा में उड़ता है तो उस स्टन का चांस जीत और हार में डिसाइड करता है।
तो मैं इसके दहाड़ को भी शील्ड ब्लॉक कर सकता हूँ और कर लेता हूँ मैं पहले खुद को हील। कभी कोशिश करना जब भी मॉन्स्टर अपने लोकेशन वगैरह को चेंज करता है उसको हवाई डैमेज देने के लिए ऐसे। एक और बार, क्योंकि जितना तुम हवाई डैमेज दोगे ना उतना तुम्हें मौका मिलेगा कि तुम मॉन्स्टर पर सवार हो जाओ, और जब जब तुम मॉन्स्टर पर सवार होगे उतना उतना तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस भी लगा उसको स्टन करने का, और उस समय डैमेज देने का विंडो बहुत बढ़ जाएगा, भले ही अकेले खेल रहे हो भले ही दोस्तों के साथ खेल रहे हो। ये बुरा हुआ, कोशिश करूंगा मैं इस पर फिर से सवार होने के लिए लेकिन अनसक्सेसफुल। बहुत ही ज्यादा दूर था लेकिन देख सकते हो चार्ज ब्लेड का रेंज काफी अच्छा है तो शॉट सक्सेसफुल रहा और करेंगे हम फिर टेंडराइज। बहुत ही बढ़िया शॉट था दोस्तों, जैसा कि तुमने नोटिस किया होगा कि इसके रोअर करते टाइम ही हमने परफेक्ट टाइम पे इसको स्टन कर दिया। और ये एक और मजेदार शॉट, इतनी जल्दी इसको भागने हम देंगे नहीं। तो यार अपनी तलवार हो चुकी है ओवरचार्ज, तो तलवार को ओवरचार्ज होने के बाद शील्ड से स्वॉर्ड पे चार्ज कैसे ट्रांसफर करते हैं वो तुम्हें बताता हूँ। चार्ज होल्ड करके रखो और एक टाइम के बाद ऐसे नहीं, फिर से दिखाता हूँ ये। तो ऊपर तुम आइकन में देख पा रहे होगे अपना स्वॉर्ड और शील्ड दोनों चार्ज हो चुका है, तो इसे कहते हैं ट्रू सीवी मोड यानी कि ट्रू चार्ज ब्लेड मोड। तो इसके हर अटैक पे चाहे तुम शील्ड अटैक करो चाहे तुम स्वॉर्ड अटैक करो, ट्रू चार्ज मोड पे तुम्हें हर अटैक पे हल्का सा स्टन डैमेज मिलेगा या फिर हल्का सा एलिमेंटल डैमेज मिलेगा। जो एनर्जी डिस्चार्ज रहती है, क्योंकि हमने पहले तो स्वॉर्ड को ओवरचार्ज किया था और उसके बाद जब भी हम एनर्जी डिस्चार्ज करते हैं तो उस ओवरचार्ज की एनर्जी हल्की हल्की सी डिस्चार्ज होती रहती है, लेकिन वो अपने जो थैले होते हैं एनर्जी के उनसे एनर्जी ज़्यादा खाता नहीं है। तो यार ये था चार्ज ब्लेड का एक और बहुत ही मुश्किल मैकेनिक, जिसको समझना बातों में समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे तुम गेम में आगे बढ़ोगे या फिर जैसे जैसे मैं तुम्हें अगले एपिसोड्स में भी दिखाऊंगा कि इस चार्ज ब्लेड की ओवरचार्जिंग को कैसे खुद के लिए यूटिलाइज करना है। तो जैसा कि तुम देख सकते हो मॉन्स्टर थका हुआ है और ये टाइम मैं लूंगा खुद को पोजीशन करने के और इसको दूंगा एक ट्रू चार्ज स्लैश। फिर जैसा कि मैंने बताया था
स्लीपिंग मॉन्स्टर्स पे जो डैमेज है वो डबल होके आता है, तो सुपर एम्प्ड एलिमेंटल डिस्चार्ज जो अटैक है जो मैंने अभी अभी किया, वो इस गेम का सबसे ज़्यादा डैमेज देने वाला अटैक है चार्ज ब्लेड का। और इन जनरल भी ग्रेट स्वॉर्ड के ट्रू चार्ज स्लैश के बाद शायद इसी का नंबर आता है, या फिर कभी कभी सुपर एम्प्ड एलिमेंटल डिस्चार्ज भी टॉप रेटिंग पे होता है, उसके बाद ग्रेट स्वॉर्ड का चार्ज अटैक आता है। तो सिर्फ एक शॉट पे ही हमने इसके 15% हेल्थ खत्म कर दी। तो यार ये हंट थोड़ा सेटिस्फाइंग लगा मुझे बिकॉज ऑफ जीरो डेथ्स। तो अभी नेक्स्ट मिशन के लिए हमें बात करनी है थर्ड फ्लीट मास्टर से, लेकिन इससे पहले देख लेते हैं हमारे पास कुछ नया इवेंट क्वेस्ट है क्या। हंटर्स ड्रीम, टिम्बरलैंड ट्रबल मेकर्स जो हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया था, और ऑप्शनल क्वेस्ट्स में है हमारे पास टिट्जियाकू और ग्रेट गीरोस। तो ऑप्शनल क्वेस्ट को हम बाद में कम्प्लीट करेंगे जब हमें नए रिसोर्सेज की ज़रूरत हो, लेकिन इससे पहले हम जाकर देख लेते हैं एक बार स्मिथी के पास कि क्या पता हमारे लिए कुछ नए आर्मर वगैरह या फिर वेपन्स वगैरह क्राफ्ट करने के रिसोर्सेस कलेक्ट हो चुके हो। तो यार स्मिथि पे येलो मार्क बना है, देखते हैं स्मिथि को क्या बोलना है। I see you got yourself something new, a charm, eh? Those things are fascinating. But the one you've got is different from others I've seen. Oh, it was made with first Viverian melding techniques. You know what? I'm going to talk to this Elder Melder character and see if she'll teach me how to make charms here at the smithy. So what are we hammering together this time? तो यार अब क्या हो सकता है कि last time जब Elder Melder ने हमें charm दिया था, इस बार हम smithy के पास ही charm craft कर सकते हैं। तो मैं जाऊंगा फोर्ज इक्विपमेंट में, और यहां तुम देख सकते हो एक तीसरा स्लॉट आ चुका है जो कहता है चाम्स। तो यहां पर बहुत तरह के चाम्स हैं और बहुत तरह के चाम्स और भी अनलॉक होने हैं, तो देखते हैं अपने पास स्टैमिना का चार्म होगा क्या। क्योंकि इंसेग्लेव या फिर ड्यूअल ब्लेड को यूज करने के लिए बहुत ज्यादा स्टैमिना चाहिए, और मुझे नहीं लगता हमारे करंट आर्मर में इतना ज्यादा स्टैमिना है। शायद नहीं, तुम चाहो तो चार्म्स को शायद हम इवेशन चार्म्स का थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमारा ईवेड विंडो बढ़ जाए, यानी कि आई फ्रेम का जो विंडो है वो बढ़ जाए। लेकिन उससे पहले देखते हैं हमारे पास कोई नया आर्मर है क्या क्राफ्ट करने के लिए। तो तैयार है अपने पास लेगियाना आर्मर, और लेगियाना आर्मर में हमें मिल रहा है 1 point ऑफ ईवेड विंडो। तो यार ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं इसको कर लेता हूँ क्राफ्ट और इसको मैं कर लूँगा इक्विप। ऑफेंसिव स्किल क्योंकि मेरे पास है, और देख सकते हो यार आर्मर कितना ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। हाँ, अगर तुम्हें किसी स्पेसिफिक स्किल के पीछे जाना है तो तुम क्या कर सकते हो ना, आर्मर को फिल्टर कर सकते हो स्किल के हिसाब से। तो मैं जाऊंगा फिल्टर पे और स्किल्स पे, और मुझे अभी चाहिए इवेजन विंडो का स्किल, तो मैं ढूंढूंगा यहां पर इवेजन विंडो कहां पर है। तो ऑलरेडी तुम देख सकते हो बहुत सारे स्किल्स हैं हमारे पास चूज करने के लिए, और इनफैक्ट ये सारे स्किल्स नहीं है, और भी बहुत सारे स्किल्स हमें अनलॉक करना बाकी है। इवेजन विंडो, तो ये मिल चुका है हमें इवेड विंडो,
उसको मैं करता हूँ सिलेक्ट, और सिर्फ एक ही आर्मर है पूरी आर्टिलरी में जो हमें इवेजन विंडो देता है, और वो है लेजियाना आर्मर। तो यार वो तो ऑलरेडी हम लोग क्राफ्ट करके पहन चुके हैं, देखते हैं अगर इनकट आर्मर में कुछ नया है क्या। हेल्थ बूस्ट, ओके, हेल्थ बूस्ट के लिए भी एक बार फिल्टर मार के देखते हैं। स्किल्स, और इस बार हम सेलेक्ट करेंगे हेल्थ बूस्ट। तो बोन आर्मर जो कि हमारे पास ऑलरेडी है, तो हेल्थ बूस्ट 2 के लिए हमें चाहिए इनगट आर्मर, और उसके लिए हमें चाहिए एक कोरल क्रिस्टल जो कि हम कलेक्ट कर सकते हैं कोरल हाईलैंड से। तो यार कोरल क्रिस्टल के लिए एक काम करते हैं, एक छोटे से एक्सपीडिशन पर निकलते हैं कोरल हाईलैंड्स की तरफ, और वहाँ पर करते हैं हम कुछ माइनिंग, और वहाँ से कोशिश करेंगे कि हम कोरल क्रिस्टल कलेक्ट कर सके। तो ये कोई स्पेसिफिक हंटिंग का मिशन नहीं है, ये सिर्फ एक स्पेसिफिक स्किल को अक्वायर करने के लिए जो हमें एक आर्मर में मिलेगा, उस स्किल को अक्वायर करने का मिशन है। तो चल देते हैं, आंखें चौकन्नी रखनी पड़ेगी क्योंकि जो माइनिंग नोड्स वगैरह है वो कहीं पर भी स्पॉन हो सकते हैं, कहीं पर भी नहीं मतलब बहुत ही स्पेसिफिक एरियाज में स्पॉन होते हैं, और क्योंकि हमने सारे माइनिंग नोड्स अभी तक देखे नहीं है कोरल हाईलैंड पे, तो मिनी मैप में भी वो चीज़ें दिखाएंगे नहीं। तो शायद यहाँ से खाली हाथ ही निकलना पड़ेगा। ठीक है, मैप के इस एरिया में कुछ नहीं है, तो मैप के दूसरे एरियाज भी हम लोग चेक करके देखेंगे। जहां पर हमें मिला है पर्ल ऑयस्टर, नया रिसोर्स है, मुझे अभी तक नहीं पता ये करता क्या है, पर देखते हैं कहीं ना कहीं तो ये काम आ ही जाएगा। तो यार ये हमें दिख चुका है यहां पर टिट्सियाकू, लेकिन इससे अभी मुझे पंगे लेने नहीं है क्योंकि मुझे अभी सिर्फ रिसोर्स माइनिंग करनी है। आयरन ओर, एक्वाकोर ओर और एक और आयरन ओर। किस्मत खराब है अपनी क्योंकि जो भी रिसोर्सेस वगैरह हम लोग कलेक्ट करते हैं किसी भी रिसोर्स नोड से, वो यूजुअली लक पर डिपेंड करता है कौन सा रिसोर्स कब मिलेगा हमें, लेकिन दिक्कत की कोई बात है नहीं, हम लोग फिर से कोशिश करेंगे लेगियाना के नेस्ट पे जाकर सर्च करने की। और जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर एक और नोड है, होपफुली यहाँ पर मिल जाए कोरल क्रिस्टल, और कोरल क्रिस्टल हमें मिल चुका है। तो यार काफ़ी जल्दी हो चुका है एक्सपीडिशन ख़त्म, चलते हैं एस्टेरा की तरफ, और चलते हैं इस तरह के वर्कशॉप पे। तो मैं सेलेक्ट करूंगा आर्मर, और यहाँ पर मैं सर्च करूंगा स्किल्स में जाकर के हेल्थ बूस्ट, और मैं क्राफ्ट कर लूंगा आयरन विम ब्रेसेस,
और ये मैंने कर लिया है इक्विप। तो अपने पास है अभी 2 हेल्थ बूस्ट जो कि अपने हेल्थ को, अपना जो हेल्थ बार है उसको और थोड़ा बढ़ा देंगे विदाउट ईटिंग फूड। तो यार, तो जैसा कि तुम देख सकते हो डिफेंडर ग्रेट सोर्ड के और 2 लेवल्स अनलॉक हो चुके हैं। तो मैं देखता हूँ अपग्रेड इक्विपमेंट में जा करके नए अपग्रेड्स हमारे पास आएगी नहीं। तो एक और चीज़ है मॉन्स्टर हंटर पे, जैसे कि तुम यहाँ पर देख सकते हो बहुत ज़्यादा पजल्ड अप है जितने भी सारे वेपन्स हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, इसको सिलेक्ट करके उसको सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर वेपन्स है और मैं करूँगा कैटेगरी, और क्योंकि यह है ग्रेट सॉर्ड मैंने इसको कर लिया है सॉर्ट, और सारे ग्रेट सॉर्ड जो है वो एक ही लाइन पर आ जाएंगे। यह है लॉन्ग सॉर्ड और फिर से मैं करूँगा कैटेगरी और लॉन्ग सॉर्ड हो जाएंगे सॉर्ट। उसी तरीके से चार्ज ब्लेड, तो यार करते हैं अपग्रेड हम ग्रेट सॉर्ड को। और ग्रेट सॉर्ड को अपग्रेड करने के लिए हमें चाहिए एक अननोन आइटम। हाँ तो यार अभी वो अननोन आइटम हमारे पास है नहीं, तो चलते हैं फिर से थर्ड फ्लीट मास्टर के पास। तो हम जाएंगे रिसर्च बेस पे और बात करते हैं थर्ड फ्लीट मास्टर से, देखते हैं उसके पास हमारे लिए कौन सा नया क्वेस्ट रहता है। तो थर्ड फ्लीट मास्टर कहते हैं, राइट, लेट्स ट्राई दिस अगेन, रेडी टू मेक योर डिसेंट इनटू डेप्थ्स ऑफ द रोटन व्हील। आई सपोज वी नीड टू फाइंड अ प्लेस सेफ इनफ फॉर यू टू डिपार्ट एंड सुइटेबल फॉर कैंप। There you shall resume your search for Zora Magdaros. And do not forget my request. You must think deeply. What is the Roten Veil? I look forward to hearing what you come up with. Well then, off you go. Multiplayer nahi chahiye, single player pe hi chalenge. तो यार दोस्तों, देखकर ऐसा लग रहा है हम लोग बहुत ही नए कैंप एरिया में आ चुके हैं जो हमने पहले डिस्कवर नहीं किया था। लगता है हैंडल को समझ आने लगा है कि रोटन वेल क्या है। तो जाने से पहले पहले कर लेते हैं हम अपना मील। शेफ चॉइस प्लेटर, अगे शेफ चॉइस प्लेटर ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है अभी। यार हैंडलर के पास फेस मास्क है, हमारे पास फेस मास्क क्यों नहीं है? खैर कोई दिक्कत नहीं। तो हमें चाहिए ज़ोरा मैकडरोस के एविडेंस। तो यार शुरू करते हैं अपना सर्च, और ये मिल गया हमको पहला एविडेंस। तो यार देख सकते हो रोटेन वेल की भी इसको हमारे साथ नहीं आना चाहिए था। जब भी ये हमारे साथ आती है तब मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम्स जो है बहुत ही करीब है, या फिर कोई नया मॉन्स्टर बहुत करीब है। तो यार जैसा कि मैं बोल रहा था, तुम देख सकते हो रोटेन वेल की भी खूबसूरती कितनी ज़्यादा है, लेकिन ये खूबसूरती जानलेवा है क्योंकि जो पूल्स वगैरह देख रहे हो वो पानी के पूल्स नहीं, वो एसिड के पूल्स है। तो यार इसके एनवायरमेंटल स्टोरी टेलिंग से ही तुम समझ सकते हो कि लाइफ और डेथ दोनों ही इकोसिस्टम का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। तुम चाहो तो उसको बदल नहीं सकते क्योंकि तुम भी उसी इकोसिस्टम का एक हिस्सा हो। और ये मिल चुका है ज़ोरा मैकडरोस का बहुत ही बड़ा क्लू, तो उसको करेंगे हम जांच।
I know we've reached the bottom. But what happened to Zora Magdaros? There's no place else for it to go. I think we should split up and look. और इस मॉन्स्टर का नाम है ओडोगारोन। बहुत ही डरावना डिजाइन है और देख सकते हो इसके क्लॉज जो है वो डबल है और वो भी रिट्रैक्टेबल। मुझे ये नहीं समझ आ रहा हमको एकदम ही स्पॉन पॉइंट पे या फिर अपने को पहले ही कैंप पे क्यों पहुंचा दिया। तो यार अब हमें वहीं पे चलना है और उस ओडोगारोन से हमें करनी है अभी लड़ाई। तो ओडोगारोन दिखने में तो लग रहा था कि वो बिल्लियों पर बेस्ड है और बिल्लियों से मेरा मतलब है बिग कैट्स पे। मैं बात कर रहा हूँ शेरों की, टाइगर्स और लायंस की। और उसकी स्पीड को देखकर ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा खूंखार है वो। तो इसके लिए हमें थोड़ा डिफेंसिवली भी खेलना पड़े। और यार पहुंच चुके हम लोग ओडोगारोन उनकी लोकेशन पे। कोशिश करते इसको वॉल बैंक देने की। दे दिया हमने इसको वॉल बैंक। जल्दी से जाके पहले हम लोग टेंडराइज करेंगे। बहुत ही बुरा शॉट था वो। तो जैसे कि देख सकते हो ओडोगारोन की जो डबल पंजे है उससे ब्लीडिंग डैमेज हो सकता है और ब्लीडिंग डैमेज हमारी एक बार में छुट्टी कर देगा। तो थोड़ा दूर जाते हैं और कोशिश करते खुद को हील करने की। थोड़े ठंडे दिमाग से इस हंट को हमें करना पड़ेगा। पासा बहुत ही सही टाइम पर ब्लॉक किया मैंने। चार्ज ब्लेड ओडोगारोन के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा मैचअप लग रहा है। ये बहुत ही कम रेंज है ब्लेड की। बहुत ही अच्छा डॉज। तो मैं कर चुका हूं स्विच ब्लेड एक्टिवेट। स्विच ब्लेड नहीं, अरे यार नहीं 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 नहीं। जैसे ही बड़ा डैमेज देने का टाइम आया उसी टाइम पे ओडोगारोन भाग गया। फिर से हमें लग चुका है ब्लीड डैमेज। इसी तरीके से चलता रहा तो बहुत ही जल्दी हम होने वाले हैं फेंट।
मौका देखते ही 3 सेकंड के लिए मैं झुक जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि खुद की हेल्थ को रिकवर करूं। और मौका मिल चुका है मुझे मारने का। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छा ब्लॉक, एक और अच्छा ब्लॉक, एक और डॉज। अच्छा डैमेज था वो, अच्छा ब्लॉक, डॉज डॉज, एक और बार, बहुत सही, बहुत ही मजेदार हंट है दोस्तों। ये एड्रेनलिन का रश बरकरार है, संभल कर खेलना पड़ रहा है और ऑटोगेरोन गया है थक, तो मैं अभी टर्न करूंगा सैवेज एक्स मोड पे, कोशिश करूंगा इसको बड़े बड़े डैमेजेस नंबर देने की। वक्त है इसको दिखाने का यहां पर एपिक्स प्रेडेटर कौन है। डॉज, बुरी टाइमिंग, एक और बार डॉज, बहुत अच्छे, और हम दे सकते हैं अभी इसको जी भर के डैमेज। एक और बार ये हो चुका है स्टन, और अब आएगा सुपर एम्प एलिमेंटल डिस्चार्ज। मूव का नाम बहुत ही खतरनाक है, और ये लगा है छटपटाने, तो चलते हैं इसके नेस्ट पे, थोड़ा वेट करेंगे उसके सोने का, और जैसे ही वो धीरे धीरे सोने लगे, हाँ उसके सोने के बीच में पहले कर लेते हैं बोन पाइल कलेक्ट। तो यार भेड़िया सो चुका है, लेकिन हम जगे हैं, तो समझ जाओ करना क्या है। हो चुका है ये स्टन, किस्मत अच्छी थी, फ्रेम के वो बाहर रहकर भी हमने उसके अटैक्स को डॉज कर लिया, और ऑटोगेरोन हो चुका है खत्म। बहुत ही मजेदार हंट था दोस्तों, तो ओडोगेरोन को हमने खत्म कर दिया है चार्ज ब्लेड से, और 2 तरह के वेपन यूज करेंगे ओडोगेरोन से लड़ने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ यूज करने के लिए ग्रेट स्वॉर्ड और प्रॉबेबली लॉन्ग स्वॉर्ड। इंसेक्ट ग्लेव के लिए इसका शरीर बहुत पतला है, तो बहुत ज्यादा मिसेस होंगे। तो इन मच्छरों को कहते हैं वेस्पॉइड। ऐसे मच्छर अगर रियल लाइफ में मिले तो समझ लेना यार इंसानियत खत्म हो जाएगी।
I'm going out for another look. No, you're not. You're okay. I was scared to death. All right, easy, easy. I'm just glad that you're not hurt. Thank you. I was planning to hide until it moved on, but, well, you saved me the trouble. Now, now, that's enough. Now, we had a deal, don't you remember? Did you learn all you could about the veil? Now, tell me everything. What did you feel out there? I think the veil is where the monsters come to die. It's their graveyard, and this whole land is a vast ecosystem revolving around it. Yeah. Come on. तो यार अगर रोटन वेल एक ऐसी जगह है जहाँ पर मॉन्स्टर खुद ही मरने के लिए आते हैं तो ये एक सवाल रेज करता है प्रेडेटर्स के एग्जिस्टेंस की क्या जरूरत है अगर मॉन्स्टर्स खुद ही उस जगह पे मरने आते हैं तो ये रीजन है. It's an ecological marvel. One that easily dwarfs any I have ever seen. Yeah. But, have you really considered the important question? What's that? Who's at the heart of it? What monster could serve as the nutrients for a system this large? What's the mystery behind the Elder Crossing? You know the answer. They die here. Bingo! An Elder's death is the catalyst. The Veil is Zora Magdaros' resting place. Or at least it should be. The clues are all here. But Zora is nowhere to be found. It was drawing in energy, storing it as it moved on. Was it trying to deliver it somewhere? I don't know. But I know who might. The first Wyverians have lived here much longer than us. Seek them out. Look, it's raining light. तो यार गेम ने हमको एल्डर क्रॉसिंग फिनोमेना के बारे में एकदम शुरू में बताया था और एल्डर क्रॉसिंग होता है हर 10 सालों में जब भी एक एल्डर ड्रैगन जो है न्यू वर्ल्ड में आता है जब भी उसको लगता है कि उसकी मौत बहुत करीब है. तो ये कर चुके हैं हम लोग वो मिशन कंप्लीट. काफ़ी कम लूट मिली है लेकिन स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है. तो जैसा कि मैंने बताया था एल्डर क्रॉसिंग के टाइम पे एल्डर ड्रैगन जो है वो न्यू वर्ल्ड पे आते हैं जब भी उनको लगता है कि उनकी मौत करीब है. तो शायद ज़ोरा मैग्डोरोस भी इसी कारण यहाँ पर आया होगा. और जब भी कोई भी बड़ा एल्डर ड्रैगन मरता है तो उस पूरे इकोसिस्टम को उसके लाइफ से एनर्जी मिलती है. लेकिन क्योंकि ज़ोरा मैग्डोरोस यहाँ पर है नहीं तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इस ज़ोरा मैग्डोरोस से पहले कोई दूसरा एल्डर ड्रैगन रोटनविल पे आके मरा होगा. तो वो जानेंगे आगे. पहले देखते हैं कमांडर को क्या कहना है. गुड वर्क विद योर फील्ड रिपोर्ट्स ऑन द कोरल हाइलैंड्स एंड रोटनविल. If our tracker and the third master both agree about the Rotten Veil,
then we can safely assume that the Elder Dragon's graveyard, so to speak. We should start focusing on the Commission's efforts there. The question is, where Zora Magdaros has gone, if it's not in the graveyard anymore? And the first Vivarians may be able to answer that question. I looked into it, and the closest sighting of the first Vivarians was in the ancient forest. You can do this! Head out there on an expedition and see if you can track them down. Because unfortunately, we are running out of time. The first Vivarians might be able to tell us where Zora Magdaros is. तो यार अभी हमारा नया मिशन है फर्स्ट वाइवेरियन से मिलना. इससे पहले चलते हैं हम लोग वर्कशॉप पे, देखते हैं हमारे पास क्या नए आर्मर्स है और क्या नए वेपन्स है. फोर इक्विपमेंट आर्मर हो सकता है ओडोगेरोन का एक नया आर्मर हमें मिले. तो ओडोगेरोन के आर्मर अनलॉक हो चुके हैं और ऐसा कुछ है नहीं इसमें खास, जो ऐसा खास स्किल जो जिसकी मुझे अभी ज़रूरत हो. लेकिन ओडोगेरोन के आर्मर में डिफेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है. तो मैं क्या करूँगा, ओडोगेरोन का लेग पीस में क्राफ्ट करूँगा, क्योंकि तुमने जैसे देखा होगा एकदम ही शुरू से हम लोग लेदर वाला लेग पीस यूज़ करते आए हैं, जो कि जिसमें है डिफेंस सिर्फ 2, और ओडोगेरोन में हमको पैंट्स में मिल रहे हैं डिफेंस 30. तो बहुत बड़ा अपग्रेड है वो. और जैसा कि तुम देख सकते हो हम लोग हेलमेट जो यूज़ कर रहे हैं वो है बोन हेलमेट, क्योंकि उसमें हेल्थ बूस्ट पैसिव स्किल है. तो अब तक दूसरे, जब तक कोई हमें दूसरा हेल्थ बूस्ट पैसिव स्किल नहीं मिल जाता तब तक हम वही यूज़ करेंगे. और वेस्ट पीस जो है अपने पास वो है बैरोथ वेस्ट पीस, जो हमें देता है मक रेजिस्टेंस, लेकिन उसका डिफेंस बहुत कम है. तो आगे देखते हैं कौन सा वेस्ट पीस हमको और थोड़े ज़्यादा स्किल पॉइंट्स दे सकता है. फिलहाल तो ऐसा कोई वेस्ट पीस है नहीं, तो इसको करते हैं इग्नोर और चलते हैं यार ओडोगेरोन के एक और हंट पे. कोशिश करेंगे इस बार उसको ग्रेट स्वॉर्ड यूज़ करके हराने के लिए. तो ये मैं कर चुका हूँ क्वेस्ट सिलेक्ट और लेट्स सिलेक्ट ग्रेट स्वॉर्ड. और हम चल देंगे क्वेस्ट की तरफ. कर लेते हैं अपना मील. और चल देंगे हम ओडोगेरोन की बैंड बजाने. तो लोकेशन हमें ऑलरेडी पता है ओडोगेरोन रहता कहां पर है. तो उसी की तलाश में चल देंगे. कभी भी रिसोर्स अपने कलेक्ट करना ना भूलना. तो ये हमारे पास 2 रास्ते. कोशिश करते हैं इस रास्ते से, जो कि मुझे लग रहा है सही रास्ता है लास्ट मैप से अगर तुम्हें याद होगा. तो यार हमें मिल चुका है माइट सीड. माइट सीड क्या करता है ना, जब भी तुम्हारा स्टैमिना फुल होता है तुम्हारे डैमेज को वो बूस्ट कर देता है. तो मैं कंज्यूम करूँगा एक माइट सीड. और ओडोगेरोन यहाँ पर दिख नहीं रहा.
आगे चल के देखते हैं। मिल चुके हैं हमको फुटप्रिंट्स। तलाशिया में कुछ और ज्यादा क्लूज की तो यार ये बहुत ही बुरी जगह पर आ चुके हैं हम लोग, जहां पर पैसिवली हेल्थ ड्रेन होता है। तो ओडोगेरोन पीछे था लेकिन स्काउट फ्लाइज ने हमें खींचते खींचते आगे पहुंचा दिया, और ऐसा लग रहा है स्काउट फ्लाइज अभी खुद भी कंफ्यूज है कि ओडोगेरोन की दिशा किस तरफ है। बहुत ही पैरेलल अटैक किया हमने ऐसा लगता है, तो क्योंकि ओडोगेरोन अभी तक एग्रोड नहीं है, मैं कोशिश करूंगा उसको एक वॉल बैंक देने की। तो हमने उठा लिया ये स्कैटर नट, उसके करीब आने का वेट करते हैं। अनसक्सेसफुल, तो यार गीरोज ने ओडोगेरोन को कर दिया है स्टन। पहला चार्ज, दूसरा चार्ज, और ओडोगेरोन हो चुका है फिर से स्टन। तो इस मौके का अच्छा फायदा उठाना है, और यह है ट्रू चार्ज स्लैश। एक और, यह मैंने कर दिया शोल्डर टैकल, डॉज, और बुरी टाइमिंग, कोशिश करूंगा खुद को हील करने की। बहुत ही अच्छा हेडशॉट, अच्छा डॉज, डॉज, शोल्डर टैकल, मिस हो गया। यार ग्रेट स्वॉर्ड की यही कमी रहती है, तुम डायरेक्शन अपना चेंज नहीं कर सकते। बढ़िया, और जैसा कि तुम देख सकते हो हमें पड़ चुका है ब्लीडिंग डैमेज। कोशिश करूंगा थोड़ा नीचे होके खुद को हील कर लूं, और हो चुका हूं मैं हील। डॉज, डॉज, और हिट, नाइस। एक और बार, एक और बार, और एक और बार, बहुत अच्छे। कोशिश करता हूं अभी मैं इसकी पूंछ काटने की,
और कट गई है इसकी पूंछ। बहुत अच्छे। और वो तो गेरोन लगा है लड़खड़ाने। तो कर लेते हैं इसकी पूंछ को लूट। और चल लेते हैं इसके नेस्ट तक। तो यार ग्रेट सोर्ड है बहुत ही अच्छा मैचअप अगर तुम ओदोगेरोन से लड़ रहे हो तो, क्योंकि बहुत स्लो मूव्स होते हैं ग्रेट सोर्ड के, तो उसके लिए एंटिसिपेट करने का टाइमिंग बहुत ज़्यादा हमें मिल जाता है कि ओदोगेरोन का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। और क्योंकि ओदोगेरोन के मूव्स बहुत ज़्यादा स्विफ्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें सोचना नहीं पड़ता कि क्या कहते हैं, क्योंकि हम स्लो वेपन यूज़ करें, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें सोचना नहीं पड़ता कि इसका नेक्स्ट मूव कहाँ लैंड करने वाला है। अगर हमने पोजीशनिंग सही रखी तो चांसेस है कि हम लोग इसके हर मूव को इवेड कर सके या फिर हर मूव को डॉज कर सके। और क्योंकि हमने अपना इवेड विंडो को बढ़ा दिया है तो जो आई फ्रेम्स है इवेड करते टाइम इसके अटैक्स को, उसका जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर देख सकते हो अभी ओदोगेरोन है अच्छे खासे स्लीप पे, तो मैं क्या करूँगा ना, एक स्टेप पीछे जाऊँगा मे बी थोड़ा और, कोशिश करूँगा इसको एक वेकअप हिट देने का। ₹500 का डैमेज था वो दोस्तों, बहुत खतरनाक डैमेज। यूजुअली उस डैमेज को होना चाहिए था 200 के आसपास, लेकिन क्योंकि वे का फिट था तो डैमेज डबल हो चुका था। और ये मैंने कर दिया इसको टेंडराइज हिट और ओदोगेरोन खत्म। बहुत ही स्मूथ हंट था, बहुत ही मजेदार हंट था, बहुत कम डैमेज लिया हमने, छुप छुप कर ज़्यादा खेलना नहीं पड़ा। तो यार बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूविंग मॉन्स्टर्स के मुकाबले ग्रेट स्वॉर्ड जो है बहुत ही बढ़िया मैचअप है। काफ़ी मज़ेदार हंट था। होपफुली हंट के हिसाब से हमें रिवॉर्ड्स वगैरह भी थोड़े ज़्यादा मिले हो। ओदोगेरोन के डिटेल्स देखो यार, ऐसा लगता है इसका पूंछ जो है वो डायनासोर का पूंछ है, डायनासोर और मगरमच्छ के पूंछ का मिक्स। और इसकी चमड़ी जो है मांसपेशियों की तरह बनी हुई है, फैट कंटेंट बहुत ज्यादा कम, कतई रिप्ड। बट वही है कि अगर तुम रोटेन वेल पे रहते हो तो तुम्हारा एनवायरनमेंट तुमको इतना टफ बना ही देता है। यार ओदोगेरोन का हंट हो चुका है खत्म। एक बार चीफ इकोलॉजिस्ट के पास जाकर पूछ लेते हैं कि अपने हार्वेस्ट कंप्लीट हुए कि नहीं। यू वेंट टू द रोटेन वेल राइट? वेल यू सी आई हैव बीन फॉर्मुलेटिंग अ प्लान दैट माइट हेल्प make my ancient tree grow, but I need to confirm something first. Don't worry, I won't trouble you with what exactly it is. Instead, could I trouble you to take care of the quest persistent pests? That would really help out with what I'm trying to accomplish. If you don't take care of the quest, it'll really slow down my progress, and that's bad for all of us. Besides, it would be truly unfortunate for everyone if I was to become some monster's dinner out there. Don't let us down now. तो यार अभी हमारे पास ऑप्शन आ चुका है एक क्वेस्ट करने का जो हमारे बोटैनिकल स्लॉट्स को बढ़ा दे, जो हमें एक दूसरा स्लॉट देगा। तो हम करेंगे अभी कलेक्ट हार्वेस्ट और कुछ नया कल्टीवेट करेंगे, और इस बार कल्टीवेट करेंगे हम लोग बिटर बग।
क्योंकि हनी और बिटरबर्ग के कॉम्बिनेशन से बनते हैं मैक्स पोशंस। तो यार हम चलेंगे फिर से स्मिथी के पास, देखते हैं ओदोगेरॉन से रिलेटेड कोई नया आर्मर अनलॉक हुआ हो कि नहीं। ऑल राइट स्मिथी, दिखाओ हमारे लिए क्या क्या अवेलेबल है। वेपन्स, सॉरी आर्मर्स। हाँ अभी तक कुछ नहीं, बट कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं वेपन्स में अपने पास कुछ नया हो तो ग्रेट सोर्ड में यार देख सकते हो अपने पास अवेलेबल है। शायद ओडो गारंटी अपने पास अवेलेबल ना हो, बट एनी हाउ डिफेंडर ही ग्रेट सॉर्ड यूज करते हुए चलते हैं, क्योंकि पहले स्टोरी मिशन के लिए डिफेंडर ग्रेट सॉर्ड बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। तो यार अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेस्ट पर, सर्च द एंशिएंट फॉरेस्ट फॉर फर्स्ट वाइवेरियन क्लूज। और जैसा कि मिनी मैप में या फिर बड़े मैप में तुम्हें दिख रहा होगा, एंशिएंट फॉरेस्ट पे इस वक्त पे राथलॉस मौजूद है, और मैं नहीं चाहता इस समय पे इस आर्मर के साथ राथलॉस के साथ कोई बड़ा पंगा हो जाए। तो यार पहुंच चुके हम लोग एंशिएंट फॉरेस्ट पे, और देखते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट वाइवेरियन के हमें कितने ज़्यादा क्लूज मिल सकते हैं। कुछ डूडल्स मिले हैं हमें यहाँ पर, शायद फर्स्ट वाइवेरियंस ये लोग कबीले वालों को कहते होंगे, और यही कबीले वाले इस न्यू वर्ल्ड पे सबसे पहले आए थे। तो ऊपर की तरफ कोई ना कोई क्लू है, लेकिन वहाँ पर जाने का डायरेक्ट रास्ता नहीं है, और यहाँ पर आ चुका है ट्रबल। तो यार ट्रबल से दूर रहना चाहूँगा मैं अभी, क्योंकि हमारा मिशन इसके लिए ज़रूरी नहीं है। तो तलाश कंटिन्यू रखते हैं फर्स्ट वाइवेरियंस की। स्काउट फ्लाइज भी कुछ ज्यादा हेल्प कर नहीं रहे। तो यार एक और डूडल मिल चुका है, और ये है पक्के से राथलॉस के स्केल। और ये है पक्के से राथलॉस के पंजों के निशान। बस उम्मीद करता हूं राथलॉस ना दिख जाए। जागरास को करते हैं इग्नोर और आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने सिर्फ चार तरह की डूडल्स कनेक्ट की है, चार पांच वैसे ही कुछ, और यहाँ पर एक और डूडल दूसरी तरफ देखते हैं। दूसरी तरफ है मशरूम्स, तो इसी रास्ते पर खोज कंटिन्यू करते हैं। और बहुत ही अलग जगह पर हम लोग अभी पहुँच चुके हैं। दो रास्ते हैं,
और दोनों रास्ते एक ही जगह तक कनेक्ट होते हैं। तो हमें मिला है थंडरबग, लेकिन दिक्कत यह है कि अपने इन्वेंटोरी में काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो थंडरबग को स्टोर करने की जगह है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, फ्लैश पॉड्स की जगह थंडरबग्स को स्टोर करूँगा। बहुत भूल भलैया जैसी जगह है ये। ओके, हमें एक बिल्ला दिखा है, पता नहीं उसके साथ क्या करना है, चल के देखते हैं बिल्ले के पास, शायद कुछ नई चीज ऑफर करने के लिए हो। व्हाट्स अप बिल्ले, क्यों तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें बिल्ले का पीछा करना है। और बिल्ला हो चुका है गायब, नहीं बिल्ला गायब नहीं हुआ, हम बिल्ले के बहुत करीब पहुंच गए थे। बिल्ले को हम पकड़ भी नहीं पा रहे अपने नेट पे, एक बार फिर कोशिश करते थोड़ा और करीब जा करके, कोई फायदा नहीं। बिल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा दोस्तों। क्या शायद बिल्ले को पकड़ नहीं सकते, उसका सिर्फ पीछा कर सकते हैं, लेकिन बिल्ला है कहां पे? ओके, जैसा कि यार तुम देख सकते हो कि जो भी हमें डूडल्स वगैरह मिले थे रास्ते में आते समय, तो यहाँ पर उन डूडल्स का बहुत बड़ा सेट है। यहाँ पर भी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बिल्ले हैं वो फर्स्ट वाइवेरियन के पेट हो सकते हैं। और शायद हम पहुंच चुके हैं फर्स्ट वाइवेरियन के इलाके पे। कुछ दिख नहीं रहा लेकिन हमें यहां पे, यहां पर हम लोग कैंप साइट भी नहीं बना सकते, तो यहां से निकल लेते हैं, कोई फायदा नहीं है यहां पे आने का। बट एनी हाउ, फाइंड अ फर्स्ट वाइवेरियन, तो चलो यहां से खोज शुरू करते हैं। स्कॉट फ्लाइज भी कुछ खास हेल्प कर नहीं रहे, और मुझे दिख रहा है ग्रीन एरो, तो चांसेस है कि वो एरो फर्स्ट वाइवेरियन का हो। और कुछ और डूडल्स हो चुके हैं कलेक्ट। तो मिल रहे हैं हमको फर्स्ट वाइवेरियन के फुटप्रिंट्स, होपफुली यहां पर कुछ नए मॉन्स्टर से लड़ने को ना मिले, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा है कि ट्रबल करीब ही है। और ये है रैथलॉस, बहुत ही गलत टाइमिंग पे, और मुझे नहीं लगता हमारे पास इससे लड़ने के लिए सही वेपन है।
बहुत ही बेहतरीन डिसीजन था, क्योंकि अगर वहाँ पर कॉम्बैट शुरू हो जाता तो शायद काफ़ी मुश्किल होती ग्रेट स्वॉर्ड से रैथलोस को हराने के लिए। तो ये है फर्स्ट वाइवेरियन। तो फर्स्ट वाइवेरियन कहते हैं, यू विश टू नो वेयर यू मे फाइंड द ड्रैगन विद द माउंटेन ऑफ फायर अपॉन इट्स बैक। तो बात कर रहे हैं ज़ोरा मैग्ड्रोस की। आई पोजेस दैट नॉलेज but you are not yet worthy. Only one who stands at the top of the food chain. Only once you have conquered the fire wyvern, the fire wyvern and the horn wyvern that have descended upon the forest and the waste. Only then will you be worthy. Fire wyvern or horn wyvern? तो यार इनकी बातों से मुझे लगता है ये बात कर रहे रैथलोस और डियाब्लोस की। बिल्कुल सही कहा था मैंने। तो चलते हैं पहले बेस की तरफ कि अभी अपना नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है एक रैथलोस को हंट करने का, और उसके लिए मैं यूज़ करना चाहूँगा गुड ओल्ड इंसेक्ट ग्लेव, क्योंकि मुझे चाहिए हवाई डैमेज। तो पहले कर लेते हैं मील। और चल लेते हैं रैथलोस की तलाश पे। तो लास्ट टाइम जब हम तलाश पे गए थे रैथलोस था, या फिर कह सकते हो जो फर्स्ट वाइवेरियन था वो था एकदम एंशिएंट फॉरेस्ट के एकदम ही ऊपरी हिस्से पे। तो हमें अभी ऊपर ऊपर जाने का रास्ता ढूंढना है। एंशिएंट फॉरेस्ट की ये बात बहुत ही अजीब लगती है कि एंशिएंट फॉरेस्ट सिर्फ एंशिएंट फॉरेस्ट नहीं है, बेसिकली एक बहुत ही बड़ा भूल भुलैया है। और रैथलोस मुझे दिख रहा है अपने मिनी मैप में, तो मैं इसको कर देता हूँ टैग और देखते हैं स्काउट फ्लाइज मुझे कहाँ तक लेकर जाते हैं। काफ़ी करीब आ रहे हैं हम लोग रैथलोस के, और यहाँ पर मौजूद है रैथलोस और ये पी रहा है पानी, लेकिन इसको नहीं पता। हम इसको करने वाले हैं वॉल बैंक। एक और बार अच्छा शॉट, और इससे मैं कर लेता हूं इसके पावर अप्स कलेक्ट। बहुत ही बुरा शॉट था यार, बहुत ही पावरफुल शॉट था वो, और इसलिए उसने हमको
टक्कर खाते ही बाहर फेंक दिया। पर कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही तुम मॉन्स्टर से अनमाउंट होते हो, क्योंकि मॉन्स्टर के एग्रेशन की वजह से मैं लाइट अटैक का बटन दबा सकता हूं ताकि मॉन्स्टर के ऊपर मैं फिर से चढ़ जाऊं। बुरी टाइमिंग और बुरी डायरेक्शन। डॉज, किनसेट ड्रिल, नाइस हेडशॉट। पूंछ के नीचे से हम लोग रोल कर गए। ओह बहुत बुरा। तो मैं क्या करूंगा, इसके पूंछ पे कोशिश करूंगा इंसेक्ट मारने की। तो क्या है ना कि यार, हमने जो इंसेक्ट उठाया है ना, उसकी मदद से अगर हम पूंछ पे मारे तो वो एक हल्का सा हेल्थ का एसेंस हमें चुरा कर देता है। ऐसे बहुत ही बढ़िया डॉज था वो, और ये था बहुत ही बुरा डॉज। और ये मैं हो चुका हूं स्टन। पर जैसे कि तुमने देखा, रैथलोस के अटैक से मैं पॉइजन हो गया था। बहुत ही अच्छा हिट, क्योंकि रैथलोस की जो इकोलॉजी है ना, वो बेसिकली ऐसी है कि वो अपने पूंछ और पंजों में जहर स्टोर करके रखता है। तो उसके पास बेसिकली दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं गेम के यूनिवर्स के हिसाब से, एक तो पॉइजन ग्लैंड और एक तो फायर ग्लैंड। और राथियन का पॉइजन ग्लैंड होता है सिर्फ उसकी पूंछ पे, रैथलोस का पॉइजन ग्लैंड होता है उसकी पूंछ और उसके पंजों पे। जाने से पहले कर ले तो इंसेक्ट ग्लेव को थोड़ा शार्पन। और ये चल दिया आगे। कभी भी रिसोर्सेस दिखे तो उसको छोड़ना नहीं, क्योंकि क्या पता कब तुम्हारे रिसोर्सेस खत्म हो जाए। और रैथलोस यहां पर मौजूद है, मैं उम्मीद कर रहा था तू भी कदाचित भी यहां पर मौजूद हो। बहुत बुरा हिट, कोशिश करूंगा खुद को हील करूं। अच्छा सेव। यार मुझे रेड पावर अप मिल नहीं रहा, और रेड पावर अप के बिना मैं उठ नहीं सकता। और मिल गया मेरे को रेड पावर अप। और ये आ गया मेरे में ओवर कॉन्फिडेंस। कोई दिक्कत नहीं, रैथलोस खुद ही कंफ्यूज है कि मुझे कहां अटैक करे। और ये मैं फिर से हो गया हूं इस पे सवार। कोशिश करूंगा इसको जितना डैमेज दे सकूं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अपना टेंडराइज भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो हमें इसको एक बार फिर से टेंडराइज करना पड़ेगा।
बहुत ही बढ़िया डॉज। और ये हेडशॉट, एक बार फिर से कोशिश करते हैं, फिर से हेडशॉट। पूछ के नीचे से निकल गए हम लोग। तो यार जैसे कि देख सकते हो हमने इसके एलिमेंट को ऑफ कर दिया है, किसी भी मॉन्स्टर को इनफ डैमेज देने के बाद उसका जो एलिमेंट है वो ऑफ होने लगता है, यानी कि मॉन्स्टर थकने लगता है कहने के लिए। बहुत अच्छा डॉज। कोशिश करते एक और सवारी लेने के लिए, बुरा चॉइस। यार रैथलोस थक चुका है जैसा कि तुम देख पा रहे हो। किस्मत अच्छी थी जो उस अटैक से हम लोग बच गए। तो कलेक्ट कर लेते इसका एसेंस। रैथलोस उधर है, तो अगर मुझे कुछ पत्थर वगैरह मिल सके तो मैं रैथलोस के ऊपर पत्थर गिरा सकता हूँ। तो मैं उठाऊंगा ये फल और कोशिश करूँगा ऊपर जो पत्थर टंगे हुए हैं जिसके नीचे रैथलोस डायरेक्टली खड़ा है उसके ऊपर वो पत्थर गिराने की। तो ये मैंने किया एम, एक और हिट, बहुत बढ़िया। ये मैंने कर लिया एसेंस कलेक्ट। और रैथलोस हो चुका है थक। जहां तक मुझे लग रहा है ये जा रहा है अपने नेस्ट पे जो है इस मैप का पूरा टॉप मोस्ट हिस्सा। स्काउट फ्लाइज हमें रास्ता दिखा रही है। और क्योंकि मेरे पास अभी कोई हैवी हिटिंग वेपन नहीं है तो मैं कोशिश करूंगा इंसेक्ट ग्लेव से ही इसको वेकअप हिट देने की, जो कि जो हमारे डिफॉल्ट अटैक रहता है जो है कि किंसेक्ट ड्रिल। और किंसेक्ट ड्रिल है इंसेक्ट ग्लेव का सबसे ज्यादा हैवी हिटिंग अटैक, सबसे ज्यादा एयरबॉर्न हैवी हिटिंग अटैक। काफी लंबी चढ़ाई है, होपफुली अपने पास इतना स्टैमिना हो। और इस चढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए वेज बीटल्स भी नहीं है तो हम ग्रैपलिंग हुक लगा करके जंप कर करके चढ़ नहीं सकते। पर कोई दिक्कत नहीं, भले ही स्लो हो लेकिन हंट सक्सेसफुल होना चाहिए बस। तो यार हमने क्वेस्ट की शुरुआत की थी रात में और क्वेस्ट ख़त्म होते होते हो गई सुबह। रियल वर्ल्ड पे नहीं, मॉन्स्टर हंटर की दुनिया में। तो कोशिश करते हैं खुद को पोजीशन करने की। और हेडशॉट नहीं लगा पाए, बहुत बढ़िया टाइमिंग, बुरी टाइमिंग थोड़ी सी, थोड़ा रह गए। अच्छा डैमेज था वो। और मिल चुका है हमें एक और सवारी।
तो यार मॉन्स्टर को माउंट करने के बाद हर कंसेक्यूटिव माउंट में तुम्हारा जो एयरबोर्न डैमेज का जो थ्रेशहोल्ड है वो बढ़ता रहता है। तो इसका मतलब मान लो अगर तुमने पहले 100 डैमेज करा हवा में और तुम मॉन्स्टर पर सवार हो गए, तो उस पहली सवारी के बाद तुम्हारा जो एयरबोर्न डैमेज का जो थ्रेशहोल्ड है वो बढ़ जाएगा। तो हो सकता है वो डैमेज जो पहले 100 था वो अभी 150 हो जाए और उसके बाद 200 हो जाए, डिपेंड करता है मॉन्स्टर टू मॉन्स्टर। एक और हेडशॉट। तो यार काफ़ी मुश्किल क्वेस्ट था वो, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी था। और ट्रस्टवर्दी इंसेक्टलेव ने फिर से अपना कमाल दिखा दिया एयरबॉर्न मॉन्स्टर्स के लिए जो सबसे बेस्ट वेपन है। तो रैथलॉस को करते हैं लूट और करते हैं कुछ बोन्स वगैरह कलेक्ट और फिर चल लेते हैं हम एस्टेरा की तरफ। तो ये हमने खोल लिया है मैप और मैं जाऊंगा एस्टेरा के वर्कशॉप पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग मिशन था ये, मेरा मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग हंट था। एक नया मॉन्स्टर, नया मूव सेट, नया डिजाइन। तो डियाब्लो से पहले चेक कर लेते हैं स्मिथी के पास अगर कुछ नया है कि नहीं। फोर्ज इक्विपमेंट, वेपन्स और वेपन्स नहीं, आर्मर से ही तलाश करते हैं। तो रैथलॉस के आर्मर अनलॉक्ड है और सबसे पहले हमें मिलता है अटैक बूस्ट, वीकनेस एक्सप्लॉइट, फायर रेजिस्टेंस, फायर अटैक और जंप मास्टर। तो यार क्योंकि मेरे पास वेस्ट पीस जो है वो था बैरोथ का, तो उसे वेस्ट पीस की और कुछ ज़रूरत है नहीं, तो वेस्ट पीस बाद में क्राफ्ट करते हैं। और इसके बाद हमें चलना है डियाब्लोस के हंट पे। लेकिन यार डियाब्लोस के हंट के लिए तुम्हें करना पड़ेगा अगले एपिसोड का वेट क्योंकि आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही था। तो यार उम्मीद करता हूँ तुमको वीडियो पसंद आई होगी, गेम प्ले पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ कि तुम्हें आज की वीडियो कैसी लगी, तुम्हें आज के हंट्स कैसे लगे, तुम्हें कौन सा मॉन्स्टर सबसे इंटरेस्टिंग लगा। और इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ, मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।